हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोड जीएस कंप्लीट कोर्स। इसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं वो देखेंगे। हम पूरे का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये सब इसमें हम कवर करने वाले हैं। जैसे हमने एक्सप्रेसिव जीएस कवर किया था, बिल्कुल वैसे ही नोड जीएस कवर करेंगे। हमने रिएक्ट फ्रंट एंड सीखा है, तो उसके लिए एक बैकएंड जरूर चाहिए। बैकएंड अगर आप एक्सप्रेसिव जीएस यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर नोड जीएस यूज करना है तो नोड जीएस भी सीख सकते हैं। तो हम एज अ बैकएंड रिएक्ट के लिए नोड जीएस चूज करेंगे। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। नोड जीएस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, ये थ्योरी पार्ट है, इसको बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसमें इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन वो आपको पता होना चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट इसके देख लेते हैं, क्या क्या हम सीखेंगे। इवेंट लूप क्या होती है, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, इसमें डिफरेंस क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, जी हम सीखने वाले हैं। मॉड्यूल्स में हम सीखेंगे एफएस फाइल सिस्टम, पाथ, एचटीटीपी, ओएस, ये सारे के सारे हम मॉड्यूल सीखने वाले हैं। ये सारे के सारे जब हम कवर करेंगे तब आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। क्रिएट करना है कस्टम मॉड्यूल, कैसे क्रिएट किया जाता है, ये तो होते हैं बाय डिफॉल्ट जो बने बनाए मिलते हैं। हम अपना एक कस्टम क्रिएट भी कर सकते हैं कोई भी मॉड्यूल, वो कैसे करते हैं। रिक्वायर एंड मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्या होते हैं वो हम सीखेंगे। फाइल सिस्टम तो हम सीखेंगे, किसी भी फाइल को रीड राइट कैसे करते हैं, फाइल स्ट्रीम के साथ काम कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, डायरेक्टरी बॉच फाइल चेंजेस कैसे करते हैं, मतलब कोई भी फाइल है उसमें चेंजेस कैसे करनी है, ये सब प्रैक्टिकली सीखेंगे हम। कुछ भी थ्योरी नहीं होगी, जस्ट हम प्रैक्टिकली ये सारा काम करेंगे। एचटीटीपी मॉड्यूल सारे के सारे सीखेंगे, एचटीटीपी सर्वर के साथ काम कैसे किया जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे आती है, राउटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरे का पूरा मॉड्यूल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम सीखने वाले हैं। सर्विंग स्टैटिक फाइल क्या होती है वो हम सीखने वाले हैं। एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर, इसको हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं वो देखेंगे। एक्सप्रेस जीएस हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसको हमने कंप्लीटली सीख लिया है। एक्सप्रेस जीएस क्या होता है वही चीज है इसी में भी, कि एक्सप्रेस जीएस को हम कैसे यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होती है, सेट कैसे करते हैं, कोई भी सर्वर को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मिडलवेयर, राउटिंग, ये सब मैंने पहले ही करवाया हुआ है, लेकिन नोड जीएस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेम्पलेट इंजेंस ये भी मैंने करवाए हुए हैं, फिर भी हम एक बार इसको जरूर देखेंगे कि नोड जेएस में हम इसको यूज कैसे करते हैं। डेटाबेस इंटीग्रेशन में अब मेरे पास दो डेटाबेस होंगे, इसमें एक मैं यहाँ पर मोंगो डीबी यूज करूंगी, एक होगा मेरे पास एसक्यूएल, एक होगा एसक्यूएल, एक होगा नो एसक्यूएल। अब यहाँ पे एक मोंगो डीबी और एक मैं यहाँ पर एसक्यूएल यूज करूंगी, जिसको हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच के साथ यूज करने वाले हैं। अगर आप इसको किसी और डेटाबेस के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। मैं जो कवर करवाऊंगी मोंगो डीबी होगा, एक नो एसक्यूएल, एसक्यूएल में हम माई एसक्यूएल का एक वर्कबेंच यूज करेंगे, ठीक है। तो इस इन दोनों को हम कवर करेंगे क्योंकि अगर नोड जेएस की बात करें हम उसको दो तरह से यूज कर सकते हैं डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन नहीं होता हमारे पास, जब तक वो वर्किंग में नहीं आता तब तक किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी वेबसाइट का मतलब नहीं होता, उसके लिए हमें कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए होता है। तो आप इसमें अपनी चॉइस बता सकते हैं कि आपने कौन सा सीखना है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करने वाले हैं। वेब सॉकेट जैसे चैट एप्लीकेशन वगैरह हम करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैसे होती है वो सीखेंगे। लास्ट है हमारा रेस्टफुल एपीआई, एपीआई इसके साथ कैसे काम करेंगे, ये सारे का सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल पे, ये है हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, कोई थ्योरी नहीं है ज्यादा, जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये थोड़ा सा पार्ट ऐड किया है। इसमें क्या क्या हो सकता है वो आप देख सकते हैं। नोड जेएस एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, जिसको हम सर्वर पे यूज करते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। जैसे एक्सप्रेस जेएस है, सेम ऐसे ही नोड जेएस को यूज किया जाता है सर्वर साइड के लिए। हो सकता है आपसे कोई पूछे कि नोड जेएस यहाँ पे क्रोम का कौन सा ऐसा वर्जन या इंजन है जिसमें नोड जेएस को यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपने V8 इंजन बताना है, ठीक है। तो इसी ये ही हमें अलाउ करता है कि हम नोड जेएस को सर्वर साइड के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब सर्वर के साथ यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो इंटरव्यू में पूछ ले तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, असिंक्रोनस हम इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैंने सब पहले बताया हुआ है। सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस सबसे बेस्ट माना जाता है, उसी के लिए हम इसको नोड जेएस को यूज करते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसका मतलब यही होता है।
सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को। तो फास्ट परफॉर्मेंस है इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास V8 इंजन है, मतलब वही ये इसी के साथ नोड जेएस को बहुत ज्यादा फास्ट बनाया जाता है। एनपीएम पैकेजेस बहुत सारे हैं हमारे पास है, नोड पैकेज मैनेजर, बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं जिसको हम यूज करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये लोग इसको पसंद बहुत करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड ये वाली नोड जैसे लैंग्वेज है, लोग इस पे ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इसका सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। जब भी किसी बैकएंड सर्वर को यूज किया जाता है, सबसे पहले उसका कनेक्शन क्रिएट करते हैं। फ्रंट एंड का बैक एंड के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है, जैसे एक्सप्रेस में मैंने बताया था, सेम ऐसे ही हमारे पास नोड जेएस में भी होता है। तो हमने करना क्या है, कॉन्स्ट यहाँ पे हमने एक नाम देना होता है, HTTP नाम लिख सकते हैं। जब भी कोई भी वेबसाइट आपने क्रिएट करनी है ना, यही कोड सबसे पहले काम आएगा। हर एक प्रोजेक्ट, कोई भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी क्रिएट करना है, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट होगा। ये कोड आपके लिए कॉमन रहेगा, लाइफ टाइम यही कोड आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर HTTP के साथ रिक्वायर लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है HTTP। तो HTTP हमारे जो सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने में काम आएगा। हमारे कॉन्स्ट एक दूसरा नाम देना है आपने, इसका नाम हम होस्ट नेम दे देते हैं। होस्ट नेम आपने एक ऐड करना होता है, तो मैं जहाँ पे जे वाला होस्ट नेम ऐड कर रही हूँ, ऐसे कुछ हमारे पास इसका फॉर्मेट होता है जे वाला, जरूरी नहीं आपने जे ही ऐड करना है, इसको हम बाद में देखेंगे। एक पोर्ट नंबर ऐड करना होता है, जे भी आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपने जे ही ऐड करना है, बस एक नंबर ऐड करना होता है। यहाँ पे आपका सर्वर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एंटर करके एक कॉन्स्ट और बना लो, इसका नाम हम दे देते हैं सर्वर। ये नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सर्वर जहाँ पर मेन हमें जैसे रेकमेंड करते हैं कि सर्वर है तो सर्वर ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको बोलूंगी HTTP के साथ क्रिएट कर दो एक सर्वर। सर्वर के बीच एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिस्पॉन्स आएगा। तो एरो फंक्शन के साथ हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाती है, अगर सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो आपने ऐसे लिखना है। यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड होनी है, इसके बीच आपने कुछ नाम देने हैं। रिस्पॉन्स आना है तो आपने ये वाला जो लिखा हुआ है ना, एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स डॉट एक स्टेटस होता है, स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। तो ये एक कोड होता है, ऐसा नहीं हमने ये अपनी तरफ से लिख देना, ये फिक्स है कि आपने 200 ही लिखना है, इसका हम काम बाद में देखेंगे। एक जहाँ पे आएगा मेरे पास, सेट कर दो हेडर को। जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हेडर में जहाँ पर एक जाता है, हमारे पास एक हेडर होता है, एक बॉडी होता है, तो मैं जहाँ पर हेडर में क्या बोलूंगी, कंटेंट टाइप मेरे पास क्या रहेगी, यहाँ पे लिख लो टेक्स्ट में होगा, टेक्स्ट प्लेन, प्लेन टेक्स्ट में मुझे डेटाबेस चाहिए। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेस की, वहां पे हम जेसन में भेजते थे, यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट में भेजेंगे। रिस्पॉन्स डॉट, उसके बाद एंड भी करना होता है। एंड मतलब अगर वहां पे मुझे सर्वर के साथ कनेक्शन बन गया तो मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दूंगी, बस। न्यू लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं, जी आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं लिखना ही है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो न्यू लाइन में भी चला जाएगा ऐसे। अगर सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया तो हमें हेलो लिखा नजर आए, उसके बाद जो सर्वर होता है हमारे पास, उसको लिसन करना है। लिसन मतलब इसको पता चल जाएगा कि मैंने इस वाले पोर्ट नंबर पे जाना है, तो वहां पे हमें आउटपुट दिखेगी। तो पोर्ट नंबर अपना ऐड करो, एक आएगा मेरा होस्ट नेम, होस्ट नेम, तो जहां पे बन गया एरो फंक्शन, कंसोल में जाके, कंसोल डॉट लॉग में जाके, तो मैं इसको बोल दूंगी, ये वाला सिंपल होता है एस्केप बटन के नीचे, इधर आप लिख सकते हैं कुछ भी, सर्वर रनिंग ऑन, कि जहाँ पे सर्वर रनिंग मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है कहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से लिख सकते हैं HTTP। यहाँ पे ऐसे जो फॉर्मेट है हमारा डॉलर, आपका आएगा होस्ट नेम कौन सा है, आप उसको ऐसे प्रिंट कर दो, यहाँ पे डॉलर के साथ एक प्रिंट कर दो पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे पोर्ट लिख दो, बस इसको सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया, यही कोड होता है जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, तो आपने बैक एंड नोड जी ऐसे यूज करना है, तो सबसे पहले ऐसे ही कनेक्शन क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे मैंने देखो इस फोल्डर को क्रिएट कहाँ पे किया है, ये वाला ऐप वाला फोल्डर है ना, इसी के यहाँ पे सेम डायरेक्टरी में, सोर्स वाले फोल्डर पे नहीं जाना आपने, इसके एक अलग फाइल बनती है सर्वर की। तो आपने सर्वर डॉट जे एस नाम का कोई भी नाम दे दे इसको, कोई भी नाम हो सकता है, डॉट जे एस के साथ इसको सेव करना है। मैं जहाँ पे रिएक्ट यूज कर रही हूँ, बीट नहीं है, तो यहाँ पर आपने इस वाले डायरेक्टरी पे, यहाँ पे ऐप वाला फोल्डर है इसके सेम ऐसे इस वाली डायरेक्टरी पे एक फोल्डर बनाना है। तो आपने क्या करना है, ये वाला ऐप फोल्डर है, यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करके
अगर आप ऐसे ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, ये देखो सेम डायरेक्टरी पे बन रहा है। अगर आप ऐप वाले में जो सोर्स फोल्डर है इसको इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस वाले फोल्डर के अंदर चला जाएगा सर्वर, तो वो इसको मिलेगा ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, टर्मिनल ओपन करना है। सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल है कि नहीं। तो आपने इसको, वैसे तो अगर आप रिएक्ट में काम करें तो इसको इंस्टॉल पहले किया होगा, क्योंकि हम फ्रंट एंड पहले करते हैं फिर बैक एंड में आते हैं। तो फ्रंट एंड में नोड जेएस को हम इंस्टॉल करते हैं कंपल्सरी। फिर भी अगर आपने चेक करना है तो कैसे करेंगे, नोड लिखो -b एंटर करो। अगर आपके पास ऐसी आउटपुट आ रही है तो सही है, तो आपके पास इंस्टॉल है नोड। तो यहाँ पे आपने npm भी चेक कर लेना है, तो अगर ये भी इंस्टॉल होगा तो इसका पता चल जाएगा, तो ये दोनों इंस्टॉल है। अगर नहीं इंस्टॉल है, गूगल पे जाके नोड जेएस को बस डाउनलोड कर लेना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट करना है तो cd ऐप वाले पे जा सकते हैं, नहीं तो आप पहले डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करके देखो। इसको एग्जीक्यूट किया जाता है नोड, आपके फाइल का नाम server.js, एंटर करो तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है। ये देखो सर्वर कहाँ पे चल रहा है, जे वाले पोर्ट नंबर पे। अब यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ बिल्कुल, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है 127, मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ, और जहाँ पे लिखा हुआ है 300,000 इसको हम कर देते हैं 5 या 4, सेव करके। अब देखो यहाँ पे मैंने होस्ट नेम भी चेंज कर दिया, पोर्ट नंबर भी चेंज कर दिया। पोर्ट नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं, 5,000 है, 3 है, 4 है, रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मसला बन जाता है होस्ट नेम का। होस्ट नेम सर्वर के ऊपर सारे के सारे फ्री नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते। कई बार हो सकता है कोई दूसरा यूजर इस पे एग्जीक्यूट कर रहा हो अपना प्रोग्राम, तो हम क्या करेंगे इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने फिर से इसको एग्जीक्यूट करना है, नोड server.js इसको एंटर करो। ये देखो ये बिजी है, तो आप इसकी अगर एरर चेक करेंगे ना तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाला जो हमने लिखा हुआ है होस्ट नेम वो वाला अवेलेबल नहीं है, मतलब ये बिजी है। तो हम इसको चेंज कर देंगे, कोई और नाम दे दो इसको, 99 लिख देते हैं, इसको कर दो एंटर और यहाँ पे सेव करो। कई बार हो सकता है आपको पहले वाला जो मैंने बताया है वही आपको मिले फ्री, तो आपने इसको चेक कर लेना। बेसिकली हम ज्यादा यही यूज करते हैं 127, ये देखो ये बिल्कुल फ्री है, तो ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा बिजी नहीं होता। और ये वाला जो है पोर्ट नंबर ये चल जाता है, जहाँ पे देखो ये बिजी नहीं है, ये सही है। होस्ट नेम पे ज्यादा मसला होता है, तो आप इसमें ये वाला ऐड कर सकते हैं अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए। अब इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, चेक कर लेते हैं हमारे पास कुछ आउटपुट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ, तो ये होता है हमारा नोड जेएस सर्वर, हमारे पास अब एग्जीक्यूट हो जाता है। सर्वर तो एग्जीक्यूट हो गया, हमारे पास जो आउटपुट है वो तो हमारे फ्रंट एंड में ही दिखेगी, मतलब जहाँ पे आपका ये वाला रिएक्ट का जो पेज होता है ना, ये हमारा फ्रंट एंड इधर ही आएगा नजर। तो मैं जहाँ पे चली जाती हूँ app.js पे, यहाँ पे ये वाला मेरे पास कोड है, इसको आपने अलग से एग्जीक्यूट करना होता है। पहले हमने सर्वर एग्जीक्यूट किया, हम ऐप वाला भी कर देते हैं, cd ऐप npm स्टार्ट कर दो, तो हमारे पास जो भी फ्रंट एंड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये होगा हमारा फ्रंट एंड, इधर हम कोई भी कोड करेंगे, और ये होगा हमारा बैक एंड। इधर हम अगर फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ अटैच करेंगे तो हमारी बैक एंड की आउटपुट यहाँ पे दिखेगी और फ्रंट एंड की दिखेगी जहाँ पे। तो ये होता है दोनों को, फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट जेएस होगा, बैक एंड हमारा होगा नोड जेएस। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, आज का हमारे जहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो मॉड्यूल है ये आज क्लियर कंप्लीट करना था कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।